निकल है कि जो यहाँ से जाते हैं तो इनको पूजा करके ही जाएगा, नहीं तो फिर आगे जाके थोड़ा तकलीफ होएगा, गाड़ी बिगड़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, बस यही होता है इनसे। तेज बारिश हो जाएगी ना कल भी, कल जैसा सीन हो जाएगा यहाँ। तो कल हम जब आए थे तो हमारा हेलमेट थोड़ा गीला सा हो गया था, अभी हम हेयर ड्रायर से इसको सुखा रहे हैं। जैकेट और ये सब सूखने लगा हुआ है। तो इधर एसजे अपना हेयर ड्रायर से पैंट सुखा रहा, राइडिंग में जैकेट सुखा रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ हेयर ड्रायर कैरी करना बहुत ज़रूरी है, और आप देख सकते हो इससे हमारी जो है कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। अभी बस सुखाते हैं और भागते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू के पराठे हैं और अचार चटनी वगैरह है, और मनप्रीत भाई खा रहे हैं सत्तू के पराठे और परमल की सब्जी, आलू परमल, परमल नहीं परवल, परवल आलू पटल 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 परवल परवल आलू परवल की सब्जी है। मनप्रीत भाई खा रहे हैं सत्तू का पराठा और आलू पटल की सब्जी, मतलब वही परवल। और एस जे भाई भी खा रहे हैं आलू का पराठा मेरी तरह। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं निशांत, मैं हूं एसजे ब्लॉग्स, शुभम शुभम। तो अभी हम लोग जहां से निकल रहे हैं और हम लोग जाएंगे सासाराम, उससे पहले हम लोग कहां जाएंगे भाई? हम लोग सबसे पहले जाएंगे यहां से मुंडेश्वरी भवानी टेंपल, उसके बाद फिर जाएंगे तेलहर कुंड, और उसके बाद फिर जाएंगे करमचट डैम जिसको कहते हैं दुर्गावती बांध, और उसके बाद वहां से सासाराम। आज का यही प्लान है, करीब 100-150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास राइड होगी। तो चलते हैं, सामान वामान लगाते हैं बाइक पे और निकलते हैं। तो भाई निकल गए फिर से, हम जा रहे हैं मुंडेश्वरी देवी टेंपल जो कि बंद है, पर क्या करें, एक बार ट्राई मारना तो बनता है। बिहार में जो है इस समय सारे मंदिर वगैरह बंद है कोविड की वजह से। बोध गया भी बंद है और गया भी बंद है, तो वो सब जो है मंदिर वगैरह तो हम नहीं जा पाएंगे। भगवानपुर है यहाँ से 5 किलोमीटर, उसके बाद हमें राइट टर्न लेना है। शांत व्यू, शांत व्यू, एसजे व्लॉग, चटोरास। तो हम हैं अभी भगवानपुर में, और ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, यहाँ से हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे को करीब आज 125 या फिर 150 किलोमीटर की राइड करनी है, और टैंक तो वैसे हाफ से ज़्यादा ही है, हो जाती, लेकिन आगे का जो एरिया है वहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ और है, तो हमने कहा चलो डलवा ही लेते हैं, क्योंकि टैंक तो फुल करवाना ही है, आगे भी जाना ही है। अरे पूरी पूरी सड़क पे क्या मतलब। तो हम पहुंच गए हैं भगवानपुर, नजदीक आओ, दूर क्यों खड़े हो, रुको एक मिनट। हैं कहाँ घर पड़ेगा? घर दिल्ली, दिल्ली दिल्ली को बाइक से घूमने के लिए आए हैं। हाँ बोला चले जाइए, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। अरे सब सब्सक्राइब किए हैं, क्यों हो से? दिल्ली से, दिल्ली से इधर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मंदिर जा रहे हैं, तेलहर कुंड गए हैं, वहीं जाएंगे, इसके बाद वहीं जा रहे तेलहर, इसके बाद वहाँ जाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। कहाँ गया एस जे? अरे भग गया। हम लोग
लोग पहुंच चुके हैं मुंडेश्वरी देवी टेंपल के पास और मंदिर जो है ऊपर है, अभी ऊपर तक किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ सीढ़ियों तक जा रहे हैं, पूजा वगैरह जिसको करनी है वो सीढ़ियों तक ही कर सकता है। और बाकी जो यहाँ की जो स्टोरी है वो बताएंगे एसजे भाई। देखो ये मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना एंशियंट है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये दुर्गा माँ के मतलब ऊपर मंदिर बना हुआ है, ऊपर नहीं दुर्गा माँ का मंदिर है। और जब आप दुर्गा माँ की आरती करते हैं तो उसमें एक लाइन आता है, चंड मुंड विराजे। तो दो राक्षस थे, दो दैत्य थे जिनका नाम था चंड और मुंड। चंड का विनाश करने के बाद मुंड जो था यहाँ कहीं छिप गया था, तो मुंड को मारने के लिए माँ यहाँ पे आई थी और यहाँ पे उसका विनाश हुआ था। तो उसके बाद से इस टेम्पल का नाम मुंडेश्वरी भवानी टेम्पल हो गया है। और यहाँ पे कहा जाता है कि एक शिवलिंग है, शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है कि हर पहर में अपना वो कलर जो होता है उसका वो बदल जाता है। बहुत ही विचित्र बात है, मतलब लोगों की मान्यताएं बहुत ज़्यादा है। और एक बात यह है कि यहाँ पे हमारे यूपी बिहार में दुर्गा माँ और काली माँ को बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, तो जिसे हम पाठा कहते हैं या पाठी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बलि पड़ता है उसका विचित्र एक परंपरा है कि लाया जाता है बकरे को, उसके ऊपर सिंदूर वगैरह अक्षत वगैरह दिया जाता है, अक्षत को मंत्र के पढ़ के उसके ऊपर छींटा जाता है, तो बलि वहीं पर उसी टाइम हो जाती है क्योंकि बकरा बेहोश हो जाता है और उसके बाद फिर थोड़ा देर में उसके बाद उसको होश आ जाता है और वो बलि हो जाती है। यहाँ पे मारा नहीं जाता, मतलब एक्चुअल में उसको नहीं मारा जाता है। वैसे यूजुअली अगर मैंने जो बलि के बारे में सुना है उसमें यही होता है कि मतलब पूरी तरह से उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता। अच्छी चीज़ है। तो अभी क्या प्लान है हमारा? अभी यही प्लान है, फिर यहाँ से इस धरती पर आ गए, इस पावन धरती पर, यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक मौका मिला यहाँ आने का, हम कोशिश करेंगे, वैसे तो मुश्किल है, पर अब यहाँ से हम जाएंगे तेलहर कुंड। यहाँ से रह गया 19 किलोमीटर और आप देख सकते हो दोनों साइड खेती बाड़ी है यहाँ पर काफ़ी अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, निशांत व्यूज। उनको पता चला मैं बाइक्स देखे थे ना, ब्लॉग देखते रहते हैं ना। ये 4 बजे ही खुला रहता है, 4 बजे तक ही खुला रहता है तेलहरकुंड। चलो फिर भाई जल्दी। तो अब हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं हिमाचल या उत्तराखंड उधर की साइड आ गए हो, लेकिन ये बिहार है भाई, बहुत खूबसूरत है ये भी। अरे भाई वाटर क्रॉसिंग देखिए, कभी मोड़ पे वाटर क्रॉसिंग नहीं देखी। हम सुना था कि एक कोई मंदिर है जहाँ से बीड़ी चढ़ाया जाता है। यही मंदिर है। जो आप बीड़ी क्यों चढ़ाते हैं? इनका मान्यता है ना कि आप यहाँ से अगर उनका जो भी आपको आप जो भी खाते पीते हैं उनका पूजा पाठ करिए। अगर आप बीड़ी खाते हैं तो खैनी बना रहे हैं रास्ते में तो इनको चढ़ा दीजिए बीड़ी। अच्छा, मतलब आप जो करते हो वो चढ़ा दो। और भैया अगर आपको लगता है कि नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि आपको तकलीफ होगा, ये तो आज भी होता है, आज भी होता है। आपको मानना होता है। खैनी के अलावा क्या चढ़ा सकते हैं? नहीं कुछ भी, आप जो भी हो, पैसा भी है पैसा ही दान कर सकते हैं। ये नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बीड़ी ही चढ़ाइए, आप पैसा भी दान करके जा सकते हैं, लेकिन एक बार वो हाथ जोड़ना पड़ता है। अब ये नहीं कि आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट चाहिए सर, नहीं आप पैसा भी चढ़ा के जा सकते हैं। निकल है कि जो यहाँ से जाते हैं तो इनको पूजा करके ही जाएगा, नहीं तो फिर आगे जाके थोड़ा तकलीफ होगा, गाड़ी बिगड़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, बस यही होता है। बारिश हो गई शुरू, रेनकोट पहन लिया है। बारिश तो होनी ही होनी है भाई, मॉनसून में आए हैं हम घूमने तो बारिश तो मिलेगी, लेकिन मॉनसून में आने का एक फ़ायदा और होता है, आपको मिलती है प्योर हरियाली, चारों तरफ ग्रीनरी मिलेगी बढ़िया एकदम, तो और मज़ा आता है। मॉनसून के टाइम में घूमने का मज़ा ही अलग है। मैंने ऑल इंडिया राइड की थी 2017 में, वो भी मैंने मॉनसून में की थी, ऐसा ही मौसम रहता था, रोज़ राइड में बारिश होती थी, मज़ा आता था, लेकिन रोज़ भीगता था मैं। तो स्टार्टिंग जब करी थी मैंने राइड की तभी बीमार पड़ गया था, बुखार हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ कहीं पर भी बुखार। तेज बारिश हो जाएगी ना, कल जैसा सीन हो जाएगा यहाँ। निकाल बढ़िया नहीं लग रहा पूरा। अरे भाई लग ही नहीं रहा यार, यहाँ पर हम बिहार में,
हिल स्टेशन लग रहा है कोई। तेलहर कुंड का रास्ता है इधर से, बारिश होने से पहले निकलना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं तलहर कुंड में और एक हमारे को यहाँ पे भाई मिले हैं। क्या नाम है भाई आपका? बबलू। बबलू भाई हैं कहाँ से? महफूज अंसारी भी कह सकते हैं। क्या फिर? महफूज अंसारी। महफूज अंसारी, महफूज अंसारी। तो आप कहाँ, यूपी से हो? जी यूपी से। यूपी से आए हैं यहाँ पर घूमने और अभी तो फिर बारिश शुरू हो चुकी है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज हुई तो हम फंस जाएंगे यहाँ पर जैसे कल फंसे थे। तो निकलते हैं आगे। आ जाओ भाई अनपित भाई। अरे भाई जहर भी हुआ, जहर। ये देखो सामने, देखो आप ये यार व्यू, ये नज़ारा देखो, ये कातिलाना नज़ारा एकदम भयंकर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सासाराम और सासाराम है अभी यहाँ से करीब 59 किलोमीटर। अंधेरा तो हो ही चुका है, अब देखते हैं क्या होगा, कितनी देर में पहुँचते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं सासाराम और सासाराम में हमने होटल ले लिया, होटल नटराज, जो कि हमें बड़ी जद्दोजहद के बाद पड़ा है 1200 रुपये पर रूम। तो फिलहाल इस वीडियो में यही ज्वाइन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो उसको बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक्स कीजिएगा और बहुत सारे शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में ज्वाइन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और एजे भाई को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, इनके चैनल को जरूर चेक करना। मस्त मस्त बोल शॉर्ट्स अगर देखने हैं तो फिलहाल अभी चलते हैं। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये 390 चला के। इसके अंदर अगर हॉर्न होता तो ज़्यादा मज़ा आता।